हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बाजार। तो फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि रेलवे आरपीएफ का फिर से एक बार 9000 की भर्तियां आ रही है। जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा, यहां पर मैं स्क्रीनशॉट लिया हूं और ये आपका ऑथराइज पेपर का लिया हूं और ये खुद आपका पीयूष गोयल जी ने ऐलान किया है। जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर लिखा हुआ, अभी रेल मंत्री पीयूष गोयल का ऐलान, रेलवे में निकलेगी और 9000 भर्तियां। तो 9000 की वैकेंसी आने वाली है बहुत जल्द, जिसमें आपका एसआई प्लस कांस्टेबल ये दोनों को मिलाकर आपका 9000 की भर्तियां रहेगी। और ये खुद पीयूष गोयल जी ने ऐलान किया था, ठीक है। मैं आपको वो भी क्लिप दिखाऊंगा जहां पर इन्होंने आपका ऐलान किया था, ठीक है। यहां पर बात कर लेते हैं इसमें है क्या, ठीक है। जैसे कि आपको पता चली गया होगा अब तक, और ये कोई भी फेक न्यूज़ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, मेन चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, भारतीय रेलवे में नौकरी तलाश रहे युवा खुशखबरी, रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ऐलान किया रेलवे में 9000 से ज़्यादा भर्तियाँ निकलने वाली है और इन खाली पदों में 50% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होगा, ठीक है। तो ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी 9000 की वैकेंसी निकलेगी लगभग आपका, उसमें 50% आपका रिजर्व रहने वाला है महिलाओं लोगों के लिए, ठीक है। वुमेन्स आपका 50% का सीट रिजर्व रहेगा, ठीक है। आपको आगे भी दिखा देता हूँ, आपका ये आपका ट्विटर हैंडल में पीयूष गोयल जी ने आपका खुद ये अनाउंसमेंट करके बताया था। अभी मैं आपको क्लिप भी दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ साफ साफ, रेलवे में कांस्टेबल और मतलब रेलवे में कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर का लगभग 9000 पदों के लिए जो भर्ती की जाएगी उसमें 50% महिलाओं के लिए जाएगा, मतलब 50% रिजर्व रहेगा आपका महिलाओं के लिए, ठीक है। और ये आपको पता है, ये महिला सशक्तिकरण का सुनिश्चित करेगा तथा इसके साथ ही रेलवे सुरक्षा बल में उनकी प्रतिनिधित्व को भी बढ़ाएगा, मतलब वुमेन एम्पावरमेंट को एक बढ़ावा के तौर पे ये 50% का जो आपका जो वैकेंसी है वो महिलाओं लोगों के लिए आरक्षित किया जाएगा, ठीक है, रिजर्व किया जाएगा। अब मैं आपको वो क्लिप दिखा देता हूँ जहाँ पास आपका ये खुद पीयूष गोयल जी ने ऐलान किया था, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें आदेश दिया कि हम जो लगभग 9000 लोग और हम रिक्रूट कर रहे हैं उसमें हम लेडी कांस्टेबल्स के लिए रिजर्वेशन रख के फोकस एफर्ट करें कि ज्यादा मात्रा में लेडी कांस्टेबल्स आए। माननीय सभा माननीय सांसद जी को खुशी होगी सुनकर कि लगभग जो 9000 और पद अब आ रहे हैं कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर्स में, उसमें 4500 यानी लगभग 50% महिलाओं को ही लिया जाएगा, ये सरकार ने। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा, अब आपका इतना तो तय है कि आपका ये वैकेंसी आने वाली है। अब ये वैकेंसी आएगी कब, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि जो पिछला साल 2018 का वैकेंसी निकला था सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल का, तो उसका प्रोसेस अभी कुछ बचा हुआ है, ठीक है। एसआई का तो अभी हाल ही में ही आपका पूरा फाइनल रिजल्ट निकला था, एसआई का कंप्लीट हो चुका है, बट कांस्टेबल का कुछ प्रोसेस आपका बचा हुआ है, कुछ कुछ ग्रुप के आपका फाइनल रिजल्ट अभी तक आपका रुके हुए हैं। तो जैसे वो अगर आपका क्लियर होता है, जैसे वो आपका क्लियर होता है, और मुझे पता है मेरे ख्याल से अभी देखो जून है, मतलब जुलाई का अगर मैं बात करूँ, जुलाई तक में उसका जो भी आपका प्रोसेस होंगे उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। जुलाई तक में आपका ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका एक नया आएगा जहाँ पर आपका सारा कुछ मेंशन होगा किस तरीका से क्या क्या आपका एलिजिबिलिटी सब रहेगी आपका, ठीक है। यहाँ पास इतना तय हो गया कि 9000 की वैकेंसी आपको देखने मिलेगी अप्रॉक्सली, ठीक है। अब यहाँ पास बात कर लेते हैं हल्का से कि पेपर का पैटर्न उसी तरीका से रहने वाला है जिस तरीका से 2018 में रहा था, ठीक है। जिन लोगों को नहीं पता तो हल्का बता दूँ, यहाँ पास आपका पेपर जो होगा वो 120 मार्क्स का होगा, इसमें से 35 मार्क्स का मैथ रहते हैं और 35 मार्क्स के रीजनिंग के पेपर रहते हैं, और बचे हुए जो 50 मार्क्स के जो पेपर रहते हैं वो है आपका जीके जीएस का, ठीक है। तो टोटल मिला के आपका 120 मार्क्स का पेपर बनते हैं, जहां पर एसआई कांस्टेबल दोनों का पेपर पैटर्न एकदम सेम स्ट्रक्चर पे होता है। अब यहां पर थोड़ा सा आपको ये भी पता होना चाहिए, जो एसआई का होता है वो आपका ग्रेजुएशन लेवल पर होता है और जो कांस्टेबल का होता है वो आपका इंटर मतलब लेवल पर आपका एग्जाम होता है, ठीक है। ये दो चीज़ फिक्स है, उसके बाद बाकी जो भी नई चीज़ रहेगी वो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद पता चलेगा, ठीक है। और आपको बता दूँ, पिछले साल भी जो आपका वैकेंसी निकली थी यानी मतलब 2018 में, उसके लिए भी हम लोगों ने काफ़ी एसआई कांस्टेबल के लिए मैंने काफ़ी सारी वीडियो बनाई थी, ठीक है। और मुझे जो पहचान मिली थी हमारे चैनल को वो आपका एसआई और कांस्टेबल पर ही मिली थी। काफ़ी लोगों का यहाँ से सिलेक्शन हुआ था क्योंकि मैंने जितना मेहनत किया था वो सभी लोगों को इससे फ़ायदा हुआ, ठीक है। आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे भी थे जिनका 2018 में किसी कारण वर्ष से नहीं हो पाया, तो फ्रेंड्स यहां पर अब आपको फिर से देख लो 2019 में मौका मिलने जा रहा है। अगर आप आरपीएफ का वैकेंसी का वेट कर रहे थे तो अब देख लो आपको इसी साल मौका मिल गया, अब आप लोगों के लिए एक गोल्डन चांस के तौर पर आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग तैयार हो जाइए, जो लोगों का भी 2018 में नहीं हुआ था तो आप लोग पूरे अच्छे से तैयार हो जाइए, और फिर जो लोग नए हैं वो लोग तो रेडी रहेंगे, मगर उन लोगों के लिए सबसे अच्छा मौका है जिन लोगों का 2018 में किसी
किसी कारणवश से नहीं हुआ था, ठीक है। तो याद होगा आप लोगों को, मैं पहले भी बोलता था, देखिए जिनका नहीं हुआ तो कोई तकलीफ की बात नहीं है, वैकेंसी आएगी कभी ना कभी, तो आप लोग पहले से तैयार रहिए। तो देखा वैकेंसी बहुत जल्द आ चुकी है, अब जो भी आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तब हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। हमारे चैनल से काफ़ी आपके लोगों का, कांस्टेबल में खासकर बात करूँगा, कांस्टेबल में आपका सबसे ज़्यादा अगर आप यूट्यूब पर सर्च भी मारोगे तो मुझे लगता ही नहीं है कि मैंने जितना वीडियो बनाया था कांस्टेबल को लेकर एग्ज़ाम के दिनों में, वो काफ़ी वीडियो होंगे पूरे यूट्यूब में, आप चाहे तो सर्च मार के भी देख सकते हो, ठीक है। तो इस बार का 2019 का जो भी आपका वैकेंसी है 9000 का, उसको हम लोगों अपने हाथ से जाने नहीं देंगे, ठीक है। तो जब आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा सारा, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरीके से हम लोगों का आगे का प्लानिंग होगा। बस इतना तैयार हो जाइए कि आपका वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। तो ये आपका एक छोटा सा एक न्यूज़ था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर चलिए वीडियो को वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं फ्रेंड किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।